राधारमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनुः सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्य आस्य कमलकल्पं वाग्मयममृतं जगत्पिबति विश्वसर्गविसर्गात् नवलक्षणलक्षतं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराकुलयोगी तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतारौ अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद् रत्नागार रत्न सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्री गोविंद देवौ प्रेष्ठालीभे सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् रास रसारम्भी वैशीवट्टतस्थितकर्षन वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीवस्तु स्वीये कौशल सूचकेन कुटिलालोकेन किरणोत्पलं कुर्वन्नेव कपोलयोः मकरिके गान्धर्विकायाश्चिरं प्रस्युन्नाङ्गुलराधिशप्रभुवर स्त्वं मां निकुञ्जाले येन त्वाम् अभिबीजयानि वलितानन्दाश्रु श्रीवल्लभम् नारायणाय नमः नारायण नमः नरोत्तमाय नमः दिव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंहेभ्यैव च भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री विदग्ध माधव नाटक चतुर्थ अंक श्री प्रिया जी ने मान धारण किया। श्री ललता जी ने विशाखा से कहा, बोले अरी सखी श्याम सुंदर एकदम जोर जोर से बोल रहे हैं, मालूम पड़ता है कि कहीं इन्होंने अपराध नहीं भी किया हो। इसलिए अरी सखी अब तू श्याम सुंदर के अनुकूल होकर के विराजमान हो। ये रस में प्रवृत्त कराने वाली भी सखी है और रस से निवृत्त कराने वाली भी सखी है, ये रस की रीति है। जोगल को रस में ये सखी गणी प्रवृत्त कराएंगे तो चलो होली खेलने के लिए चलो। फिर होली खेलते खेलते रस पीड़ा करते करते युगल थक जाए तो सखी कह रही है, कोई नहीं नहीं थक जाओगे अपन करो चलो विश्राम कर लो। फिर विश्राम कर ले तो फिर युगल को प्रवृत्त कराने वाली है कि दूर भाई सब शिथिलता अब पुनः खेलो आए, शिथिलता दूर हो गई अब दोबारा खेलो।
तो रस में प्रवृत्त और निवृत्त दोनों कराने वाली सखी ही मुख्य रूप से विराजमान। सो श्री ललिता जी और विशाखा जी दोनों अनुकूल होकर के विराजमान हुई। श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं बुलप्रिय ये फुल्ल केशव इनको मैं तुमको समर्पित कर रहा हूं। श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कि इन केशवों से मैं सुवासित होकर के विराजमान हूं। श्री प्रिया जी ने चुटकी ली वो श्याम सुंदर केशव कुंज से तो नहीं सुवासित दिख रहे हो, तुम तो चंद्रावली जी की गंध से सुवासित दिख रहे हो। अब वैसे भी आए भी है चंद्रावली से मिल करके चंद्रावली जी को विदा करके और फिर दौड़ करके श्री किशोरी जी को कुंज में बना रहे हैं। किशोरी जी इस समय तक खंडता अवस्था में विराजमान थी, व्याकुल हो रही थी, सारे आभूषणों को उतार उतार करके रख दिया था। श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं बुलप्रिय आप झूठ थोड़ी बोलोगी, आपने जो कहा कि चंद्रावली की सुगंध से युक्त हूं सही कहा, चंद्रावली का अर्थ कपूर है, मैं तो कपूर की सुगंध से युक्त हो रहा हूं। तो मेरे अंग से चंद्रावली की गंध आ रही है, ये आपने जो कहा वो झूठ नहीं कहा। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि 33वें अध्याय के 33वां श्लोक जो है उसके आगे कृष्ण के वचन है, कुछ आगे कुछ वचनों के बाद में कि प्रिय कथम अक्षर साम्या अक्षमासी। हे प्रिय आप अक्षरों की समानता देख करके क्यों आप संदेह कर रही हो, मैंने भ्रम में पड़ रही हो, अक्षमासी भ्रम में पड़ रही हो। यदा हम कर्पूर आवलिन बढ़ने आमी, मैं कपूर की सुगंध से युक्त हूं और ये सुंदर जो मंजरी है इन मंजरियों को आप नागकेशर मंजरियों को आप ग्रहण करो, ऐसे श्री माननीय प्रिया को मनाने के लिए श्याम सुंदर साम और दाम इन दोनों नीतियों का प्रयोग कर रहे हैं, समझा करके और भेंट समर्पित करके प्रिया को मनाना चाहते। श्री किशोर जी ने कहा कि समर्पित पुष्पम, पुष्पों को समर्पित करो, और ऐसा कहकर के किशोरी जी ने अपनी जो झोली फैलाई अंचल फैलाया, श्री श्याम सुंदर उस अंचल में उस समय पुष्पों को समर्पित कर रहे हैं। राधा मुखम प्रेक्षो, अब काम किया जाए कहीं और देखा जाए कहीं तो गड़बड़ तो होगी। श्याम सुंदर के नयन तो अटके हुए हैं केवल प्रिया जी के मुख के ऊपर और पुष्प समर्पित कर रहे हैं, तो जो पुष्प समर्पित कर रहे हैं वो कहीं के कहीं गिरेंगे ही और उनके साथ में क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है ये समझ में आएगा नहीं। तो हुआ यही कि पुष्प समर्पित करते समय ध्यान है नहीं, मुख अटका हुआ है प्रिया के मुखचंद्र के ऊपर और हाथ में जो बंशी और पुष्प उनको समर्पित कर रहे हैं तो पुष्पों के साथ में बंशी भी प्रिया की झोली में चले गई। राधा मुखम प्रेक्षा स्वागतम, श्री राधिका का मुख दर्शन करके कह रहे हैं कि हंत्र विभ्रम मंडितस्य चुल्ली कोटंडस्य तांडव कला, आहा अपूर्व विभ्रम से युक्त चिल्ली कोटंडस्य माने भो, चिल्ली कहते हैं भ्रूलता, उस भ्रूलता की चिल्ली माने भ्रूलता, कोटंड माने धनुष, भो रूपी धनुष उसकी तांडव कला का दर्शन करो। श्री प्रिया की भौएं कैसे नाच रही हैं, प्रिया की भौएं कैसी नाचती हुई सुशोभित हो रही है। श्री विशाखा जी उस समय ललिता के कान में लग करके कहती हैं कि अरे ललिता देख 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 अद्भुत अद्भुत प्रेक्ष प्रेक्ष सम्मोहनेन राधाया कटाक्ष बाणेन, श्री प्रिया के कटाक्ष बाण से श्याम सुंदर ऐसे सम्मोहित हो गए हैं कि लक्षीकृतः प्रिया ने कटाक्ष बाण से श्याम सुंदर को जो लक्ष्य बनाया उससे पुष्प
पुटिकया साधन अंचले दत्तम अपि वेणुं न जानाति कृष्ण के पुष्प पुटिका के साथ में फूलों की झोली के साथ में अपनी वेणु भी श्री श्याम सुंदर ने किशोरी जी के अंचल में डाल दी है और अपनी वेणु को भी दी हुई वेणु को भी श्री कृष्ण नहीं जान रहे हैं। ऐसे श्री श्याम सुंदर ने वंशी जो डाली, श्री ललिता जी कह रही हैं विशाखा के कान में कि निद्रा गमित सखी नंद सुतस्य हर्तुम या शक्नुवन्ति न पराः पशुपाल बालाः धन्या कटाक्ष कलया किल मोहयन्ति ताम्राधिकाद्य पुरतो मुरली जहार। बोले अरे सखी दर्शन कर जिस वंशी को श्याम सुंदर सना अपने साथ में चिपका करके रखते हैं, छोड़ते नहीं हैं, और निद्रा गमे भी, निद्रा आने पर भी नंद सुतस्य हंतो हर्तुम श्याम सुंदर की इस वंशी को हरण करने में याम शक्नुवन्ति न पराः पशुपाल बाला, अन्य पशुपाल बालाएं श्री राधिका के अतिरिक्त अन्य कोई गोपी जिस वंशी को चुरा सकने में कभी भी समर्थ नहीं होती हैं। अरे सखी निद्रा गमे भी श्याम सुंदर की को निद्रा आ जाने पर भी, नंद सुत को निद्रा आने पर भी हर्तुम जिस वंशी को चुराने में पराह पशुपाल वाला दूसरी गोपिका को न शक्नुवन्ति समर्थ नहीं होती है। देख देख श्री राधिका की महिमा का क्या वर्णन किया जाए। धन्य श्री राधिका परम परम धन्य हैं जिन्होंने कटाक्ष कलया किल मोहयन्ति अपने तनिक से कटाक्ष बाण के द्वारा, कटाक्ष कला के द्वारा श्याम सुंदर को मोहित कर लिया। और ऐसे चतुर श्रोमणि उन श्याम सुंदर को भी केवल कटाक्ष मात्र से मोहित करके श्री राधिका ने ताम राधिका, उन राधिका ने ताम माने उस मुरली को फुल तो जहारो श्याम सुंदर के आंखों के सामने ही उस मुरली को चुरा लिया। जैसे ही मुरली गई वैसे ही श्री किशोरी जी ने मुरली को ले लिया और मुरली को छुपा करके रख लिया। श्री गोविंद नाम ने वर्णन किया कि पीछे खड़ी हुई है श्री ललिता, श्री रूपमंजरी जी, उस रूपमंजरी जी को उन्होंने मुरली दे दी। रूपमंजरी जी उस मुरली को छुपा करके तुरंत ही श्री ललिता जी को दे दे। अब श्याम सुंदर एक एक से मांगते दोनों, हमारे पास में तो नहीं, उससे पूछो उसके पास में जाए तो मुरली पहुंचाए, तीसरे के पास में जाए तो मुरली पहुंचाए चौथे के पास में, तो वो मुरली घूमती अंत में ललिता जी के पास में पहुंचाए। ललिता जी से लेने की किसी की हिम्मत नहीं है, जब तक वे देंगी नहीं तब तक उनसे कोई नहीं दे सकता है। तो ऐसे मुरली को आप चुरा लेते हैं। यहाँ पर भी वही दिखा रहे हैं, ताम राधिका तो मुरली जहाज श्री राधिका ने आज पुरतमन श्याम सुंदर के सामने ही ताम मुरली, उस मुरली को जहाज। मुर कहते हैं आसक्ति को, देह गेह की आसक्ति, उसको जो लीन कर दे उसका नाम है मुरली। मुरा को जो लीन कर दे उसका नाम मुरली। मुरा माने विरह, मुरा माने लोक वेद की मर्यादा, उनका जो लय कर दे उसका नाम मुरली। तो उस मुरली को श्री श्याम किशोरी जी ने आज हरण कर लिया है। आहा धन्या श्री राधिका धन्य है कि कटाक्ष कलया किल मोहयन्ति, कटाक्ष कला से ही श्याम सुंदर को मोहित कर दिया। श्री राधिका उस समय मुरली को कहीं छिपा करके मुरली से संवाद कर रही है, मुरली से बात कर रही है और कहती हुई संस्कृत में कह रही है, संस्कृत का आश्रय लेकर के कह रही है अरे मुरली या निर्मात निकेत कर्म रचना रंभे कर स्तंभनम
रात्रौ हन्त करोति कर्षण विधिं या पत्युः अंकात् अपि गौरीणां कुरुते गुरोरपि पुरो या नीविध्वंसनं धूर्ता गोकुल मंगलस्य मुरली सेयं ममाभूत दशा। आज बड़े मंगल की बात है कि ये मुरली ममाभूत दशा मेरी वशीभूत हो गई है। धूर्ता, ये धूर्ता मुरली कौन की मुरली है? नीचे की पंक्ति में कह रहे हैं गोकुल धूर्ता गोकुल मंगलस्य मुरली। आज गोकुल का मंगल करने वाले श्री श्याम सुंदर के ये मुरली सेम ममाभूत वशा आज मेरे हाथ में आ गई। इस मुरली को मैंने अपने वश में कर लिया है। अरे मुरली तू बड़ी चंचल है, तू हमारे बड़े काम को बिगाड़ने वाली है। आज तू मेरे हाथ में आ गई, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि या निर्मा निकेत कर्म रचना रंभे करस्तंभनम। ये मुरली वो है या मन जो मुरली हम जब गोपिकागण निकेत कर्म रचना रंभे घर के कर्मों को कर रही होती हैं। निकेत कर्म माने ग्रहणियों के जो भी कर्म है उन ग्रहणियों के सारे दुष्कर्मों को तू दूर कर देती। और श्रीमद् भागवत में श्याम सुंदर ने जब बंशी बजाई उस समय सारी गोपिकागण 10 प्रकार के कामों को छोड़ करके बंशी से खिंची हुई चली आई। तो वहां पर 10 कर्मों का ही वर्णन किया, गिन करके 10 कर्मों का वर्णन कर दिया है कि द्वंद्व वियोग काचित दोहम स्वासपुत्र का इत्यादि जो है उनको पूरे 10 कर्म है वो गिन करके 10 कर्म है। तो 10 कामों को छोड़ करके गोपिकागण आई द्वंद्व वियोग। अब गोप जाति का एक कर्म है गायों को दोहना, उसको किसी ने छोड़ा। गोप जाति का कोई संपत्ति है वो है दोह दूध, इन्होंने दोह को छोड़ा। बंधो भी और कैसे दोह तस्मृत का अयोधिम शब्द सही आ रो। स्त्री जाति का एक सहज कर्म है पाक रचना करना, रसोई करना, परंतु इन्होंने चूल्हे के ऊपर रसोई को छोड़ा। ये तीसरा कर्म बंधो भी और कैसे दोह तस्मृत का अयोधिम शब्द सही आ रो। अनुपासिया परायु परमेश्वर तहत बंधु बांधवों को भोजन कराना यह भी सहज स्त्री जाति का स्वाभाविक कर्म है, पालन करना पोषण करना, परंतु किसी को भोजन करा रही है उसको इन्होंने त्याग किया। परमेश्वर तस्पर्धित्वा पायंत शुशुन पाया अपनी ननद जिठानी इनके जो बालक थे उन बालकों को जैसे ग्रह की घर की सभी महिलाएं आनंद पूर्वक दूध पिलाती हैं ऐसे ही चमचे से बालक को दूध पिला रही हैं, तुतई से दूध पिला रही हैं, परंतु इन्होंने उस दूध का त्याग किया। सो पायंतः शिशुन पाया, श्री सुखदेव जी ने यहां पर बिल्कुल सामान्य शब्द का प्रयोग किया था शिशु उपाय, क्योंकि ये बालक इनके अपने नहीं है। अतः श्री सुखदेव जी चाहते यदि इनके बालक होते तो सुखदेव जी कहते कि पायंत सुतान स्तनम, न सुत शब्द का प्रयोग किया न स्तन शब्द का प्रयोग किया। माने घर में जैसे महिलाएं कोई भी बालिका जैसे छोटे जो बालक हैं नवजात बालक उनको दूध पिलाती हैं ऐसे अन्य अन्य के अपनी दौरानी जेठानी उनके जो बालक थे ये कृष्ण प्रियाओं के बालक नहीं है। कृष्ण प्रिया को अप्रसूत का होकर के विराजमान है, किसी कृष्ण के अतिरिक्त अन्य पुरुष का इनको स्पर्श प्राप्त है ही नहीं। तो तुम बालकों को दूध पिला रही थी पर उनका इन्होंने त्याग किया। तो पायंत शिशु पाया बालकों को दूध पिला रही है, ये जो नारी स्वभाव का सहज वात्सल्य गुण है उस वात्सल्य गुण का भी इन्होंने त्याग किया। पति की सेवा करना अर्थात उनके स्नान के लिए जल तैयार कर देना, उनके वस्त्रों को रख देना, सामने नहीं जाना परंतु दूर से ही वस्त्र इत्यादि प्रदान कर देना, उनका भी इन्होंने त्याग किया। सो शुशुषंत पति काश्यत अश्वंत्योपास भोजन कोई स्नान कर रही है परंतु
अपना स्नान करना, अपना श्रृंगार करना, ये नारियों का सहज स्वभाव है, पर नारी स्वभाव का भी इन्होंने त्याग किया। और ये स्नान जो है उनका त्याग करके ये चली आई। सो ये स्नान का त्याग करके कोई अपास्य भोजन, स्वयं भोजन कर रही है, अर्थात जीवन रक्षा करने का जो कार्य है उसका भी त्याग करके चली आई है। अन्यंते प्रमिजन्ते उन्या, कोई श्रृंगार धारण करना करने का कार्य कर रही है, परंतु श्रृंगार करने के कार्य का भी उन्होंने त्याग कर दिया। सही रूप में नारियों का स्वभाव है श्रृंगार धारण करना, परंतु श्रृंगार धारण करने का जो नारी स्वभाव है उसका भी त्याग करके ये चली आई। और इनमें विभ्रम नाम करके दशा उत्पन्न हो गई है। बल्लव प्राप्त बेलायाम मदनावेश संभ्रमा विभ्रमो हार माल्यादि भूषा स्थान विपर्यय। हार हार माल्य इत्यादि भूषा के जो स्थान है उनका विपर्यय प्राप्त करके ये चली आई। मानो श्री अंग रूपी सखी आपस में मिल रही है, और जैसे सखी एक दूसरी सखी से कहती है, बोले अरे सखी तेरा हार तो बड़ा सुंदर है, आ मेरे हार को तू पहन दे, तेरे हार को मैं पहन लूं। ऐसे गले रूपी सखी ने, कंठ रूपी सखी, कटी रूपी सखी से कह रही है कि आ तेरा आभूषण तो बड़ा सुंदर है, एक काम कर मेरे आभूषण को तू पहन दे, तेरे आभूषण को मैं पहन लूं। ऐसा कहकर के कमर की कोंधनी जिन्होंने धारण कर ली है गले में, और गले का हार जिन्होंने धारण कर रखा है कमर, ऐसे सखीगण जैसे अत्यंत स्नेह में सख्त प्रीति में अपने आभूषणों का परिवर्तन करके विराजमान होती है, ऐसे ये गोपिकागण भी इनके आभूषण और इनके अंग रूपी सखी भी अपने आभूषणों का विनिमय करके विराजमान हो रही है। अथवा जो सखी जहां श्री सखी को अभिसार कराते हुए पहुंची और विफल हो गई, वहीं जाकर के मूर्छित हो गई। नुगुनी मंदिर में भी यही होता है कि कहीं का आभूषण कहीं पहुंच जाता है। मानो सखी श्री प्रियालाल को विलास कराते कराते जो सखी जहां पहुंची वहां पर ही मूर्छित होकर के गिर जाए। अधर की जो पीठ है वो नयन में पहुंच करके वहीं मूर्छित हो जाए, नयन का कच्चल ओठों तक पहुंच करके वहीं मूर्छित हो जाए, चरणों का जो नूपुर है वो श्रीमस्तक पर पहुंच करके वहीं मूर्छित हो करके वो अलक्तक रूपी सखी वहीं की वहीं विराजमान हो जाए। तो सखी रूप माधुरी का, प्रेम माधुरी का दर्शन करके, उस रूप का दर्शन करके जो जहां पहुंचे वहां पर ही मूर्छित होकर के विराजमान हो जाए। आज उसी ओर संकेत करते हुए कह रही है कि अरे वंशी तैने हमारे घर के 10 कार्यों को छोड़ा दिया, और हम 10 काम छोड़ करके तेरे पास शाम तेरे बजने पर श्याम सुंदर के पास में चली आती है। बड़ा अच्छा हुआ आज तू मेरे हाथ में लग गई है, अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो या निर्माती निकेत कर्म व रचना रंभे करस्पंदन। हम गोपिकागण निकेत कर्म माने अपनी गृहणियों के कर्म को आरंभ माने जब प्रारंभ करती हैं तो हमारे हाथ जाने कैसे जड़ हो जाते हैं, काम करते नहीं बनता है। गाय को दुहाने के लिए बैठती हैं तो उंगलियां चलती ही नहीं है, रसोई करने बैठती हैं उंगलियां चलती ही नहीं है, श्रृंगार करने के लिए बैठती हैं जाने कैसे करस्तंभ हो जाता है, हाथ जड़ हो जाते हैं कि आगे के कार्य होते ही नहीं है। तो अरे वंशी जो हमारे हाथों को जड़ बना देने वाली है, ऐसी वंशी तू आज हमको मिल गई है। तो या निर्माती जो बना देती है हम गोपिकागणों को निकेत कर्म रचना रंभे, घर के कामों को 10 कामों को करने में करस्तंभनम, हमारे हाथों को जड़ बना देती है। और जो वंशी रात्रौ हंत करोति कर्षण विधिम या पत्यो अंकादपि, पति के निकट से भी पति के अंक से भी जो वंशी खींच करके हमको ले आती है, अर्थात
किसी की परवाह न करते हुए, पति की परवाह न करते हुए भी वंशी के निनाद को सुनकर के हम दौड़ी हुई चली जाती हैं। पाराधे माना पति भी पितृ भी भ्रातृ बंधु भी, सबसे पहले रोकेंगे कौन? बोले पति। जब पति रोकने में समर्थ नहीं होते हैं तब रोकने के लिए कौन आते हैं? बोले पिता। जब पिता भी समर्थ नहीं होते हैं तो आते हैं कौन? भाई। फिर भाई भी समर्थ नहीं होते हैं तब आते हैं रोकने के लिए कौन? बोले बंधु। सत्ता बारे माना पति भी पितृ भी फिर भ्रातृ फिर बंधु भी। पंत गोविंदा भ्रतात्मा लो नंदवर्तन मोहिता। श्री गोविंद ने इनके चित्त को ऐसा आकर्षित कर लिया है कि ये नंदवर्तन तो रुकती नहीं है लौटती नहीं है, बल्कि वार्य मानता उत्पन्न होने पर जो पति मन को जिन्होंने रोका उनको भी धक्का दे करके उनके द्वारों को ढकेल करके बंद किए हुए द्वारों को धक्का दे करके खोल करके ये उनके सामने ही चली जाती है। ये पीछे पीछे दौड़ते हैं। लीला शक्ति मन में विचार करती है कि हाय इनके दौड़ने से इनके रोकने से कहीं इनके मिलन में गोपियों के मिलन में बाधा न पड़ जाए, इसलिए श्री लीला शक्ति तुरंत ही उस समय छाया गोपियों की रचना कर देती है। और छाया गोपियों की रचना करके छाया गोपियों को तो लौटा देती है। पति मन को विचार करते हैं ओहो हमारी वधू कितनी सुशील है कि हमार रोकने से ये वापस लौट करके पुकारने पर ये वापस लौटने लौट करके आ गई। परंतु श्री लीला शक्ति जो मूल गोपी है कृष्ण प्रिया गोपी है उनको तो कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त करा देती है, रास में अवस्थित कर देती है और छाया गोपियों को घर में लौटा लाती है। छाया गोपियों को घर में लौटता हुआ देख करके वे पतिमन्य को दूर से ही उन गोपियों को प्रणाम करके देहरी को प्रणाम करके लौट जाते हैं। ये मन में विचार करते हैं आ हमारे भाग्य जो ऐसी भागवती परम सुंदरी गोपिकागण हमारे घर में विराजमान है, हम इतने मात्र में ही कृत करते हैं, ऐसा विचार करके वे अपने घर में उन गोपियों को केवल देखते हैं। नासुयन खल कृष्णाय मोहितास्तस्य माया मन्य मानस स्वपार्श्वस्थान न तो स्वतर्पस्थान। जो गोपिकागण घर में लौट के आई हैं उन गोपियों के साथ में भी पतिमन्य गोपों का कभी भी मिलन नहीं है, स्पर्श नहीं है। मन मान स्वपार्श्वस्थान, इसलिए स्वपार्श्वस्थान शब्द का प्रयोग किया, तल्पस्थान शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये केवल घर में मात्र में स्थित हैं। ये विचार करके ये पतिमन्य गोप अपने आप को कृतिकृत करके मानते हैं। इन गोपिकागणों की ये जो वारिमानता वह सर्वदा सर्वदा इनकी प्रीति को अत्यंत अत्यंत बढ़ाने वाली होकर के विराजमान, क्योंकि वारिमानता भय लोकमेद का भय वारिमानता और दुर्लभता ये तीन वस्तुएं दुर्लभता भय और रुकावट, वारिमानता भय और दुर्लभता जाने फिर कम मिलन होगा ये अभिलाषा ये चिंता, ये तीनों चीजें रस को बढ़ाने में जैसी सहायक हैं वैसी रस को बढ़ाने में और कोई सहायक नहीं है। यहां पर ये जो वारिमानता है ये वारिमानता ही इन गोपिकागणों के समर्थारथी की प्रतीक होकर के विराजमान। यदि ये वारिमानता समाप्त हो जाए और पत्नी भाव प्राप्त हो जाए तो पत्नी भाव प्राप्त होने पर भय वारिमानता और दुर्लभता ये तीनों की समाप्ति होने पर जो प्रेम का अत्यंत उल्लास है वो उल्लास समाप्त हो जाएगा। इसलिए लीला शक्ति इस वारिमानता को सर्वदा बना करके रखती है। यदि तभी ये विचार करके श्री गोपाल चंपू की उस प्रक्रिया के अनुसार ये विचार करके कि वारिमानता आने पर बाहर रहने पर
प्रेम परम 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 उत्कर्ष को प्राप्त नहीं करता है, निश्चिंत मिलन को प्राप्त नहीं कर सकता है। उसमें कहीं चिंता होने पर निश्चिंत मिलन नहीं रहेगा, उस निश्चिंत मिलन को न रहने पर कभी बाधा की प्राप्ति हो जाएगी और आनंद की पूर्णता नहीं होगी, क्योंकि मन में धुकधुकी लगी रहेगी, चिंता लगी रहेगी कि हाय कहीं कोई गुरुजन हमको देख ना ले। ये जो भय है, ये भय मिलन में की पूर्णता को प्राप्त न कराएगा। इसलिए यदि कोई ये कहे या लीला शक्ति के मन में विचार करे कि इन गोपिकाओं की इस भय को दूर कर दिया जाए, और उसको दूर करने के लिए यदि श्रीमद गोलोक में, भवन लीला में नहीं, श्रीमद गोलोक में भी यदि विवाह प्रत्यायित कराया जाए, विवाह स्थापित किया जाए, तब भी इन गोपिकागणों को संतोष की प्राप्ति नहीं है। इन गोपिकागणों को चतुर पशुपी भाव की ही प्राप्ति होती है। श्री गोपाल चंपू उत्तर चंपू में कहीं वर्णन किया कि जब श्री कृष्ण आप राजसु यज्ञ कराने के बाद में ब्रज में दंत वक्र का वध करने के लिए पधारे, और दंत वक्र का वध करके जब आप ब्रज में गोवर्धन के पास अरीक में दतिहा नामक जो गांव है वहां पर दंत वक्र का वध किया, और दंत वक्र का वध करके आप कुछ देर विराजमान हुए, मन में विचार कर रहे हैं कि अब ब्रिज में आ गया, अब ब्रिज से लौट करके नहीं जाऊंगा। सो आपने खबर लगवाई कि इस समय ब्रिजवासियों की क्या दशा है। सारे ब्रिजवासियों ने ये सोचा हुआ था, ये गोपाल चंपू की लीला का वर्णन कर रहे हैं उत्तर चंपू में, कृष्ण को पता लगा कि जितने भी ब्रिजवासी हैं वे अब नंदगाम की गढ़ी को छोड़कर के सब के सब राया गांव में आ गए हैं, गोराई गांव में, गोकुल राय जो गांव है वहां पे आ गए हैं, और रास्ते में डेरा डाल करके सारे ब्रिजवासी पड़े हुए हैं कि कन्हैया राजसु यज्ञ में आया है, दिल्ली से लौट करके जब द्वारका जाएगा तो जाएगा तो इसी रास्ते से, यहां पर रास्ता में बैठे बैठे ही टाटा कर लेंगे, कन्हैया दिख जाएगा, तनिक रथ से जा रहा होगा उस समय कन्हैया से मुख दर्शन हो जाएगा। इसके लिए सारे ब्रिजवासी नंद बाबा, सारे ब्रिजवासी नंद बाबा, श्री विश्वान बाबा, सब के सब अपने नंदगाम बरसाने अपनी जो गढ़ी है उनको छोड़कर के गोराई गांव में, राया गांव में आकर के यमुना जी के पल्ली पार वहां पर आकर के डेरा डाल करके पड़े हुए थे। श्री कृष्ण दंत वक्र का वध करके